आई एम अंग्रेज सिंह इन द जैन जैन इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग उस्मान खेड़ा. आई एम क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर इन द फंडामेंटल लैब एंड टुडे आई विल अबाउट द जीएनएम एएनएम. फर्स्ट ऑफ ऑल तो एएनएम क्या होती है, एएनएम के सबसे पहले एएनएम के बारे में बताएंगे. तो एएनएम एक्सिलरी नर्स मिडवाइफ होती है जो कि क्या करती है, गाँवों में जाती है, वहाँ पे जाके जो डिलीवरी पेशेंट्स वगैरह होते हैं उनकी उनको केयर प्रोवाइड करती है. एंटीनेटल और पोस्टनेटल केयर के बारे में मदर को बताती है, उसका न्यूट्रिशन लेवल है, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, ये सारे जो काम है वो एक नर्स जो है एएनएम नर्स है वो करती है. ये सारा सिस्टम हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इन द इंडिया उसके अंतर्गत आता है. और इसके अलावा जीएनएम है, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी है, उसमें भी स्टाफ नर्स ग्रेड सेकेंड है जो अपने हॉस्पिटल्स में पेशेंट को केयर प्रोवाइड करने के लिए सेकंड लेवल की पोस्ट पर, सेकंड ग्रेड की पोस्ट पर अपॉइंट होती है और पेशेंट को केयर प्रोवाइड करती है. और क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर के लिए भी इनकी कैरियर है. और जैन नर्सिंग ऑफ इंस्टीट्यूट कॉलेज में यहाँ पे एएनएम जीएनएम और फार्मेसी करवाई जाती है. अगर अपने एएनएम की क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें कि एएनएम करने के लिए अपने को क्या क्या चाहिए, तो उसके लिए अपने 10th पास हो या फिर 12th पास हो. और फीमेल, अकेली फीमेल ही है जो एएनएम कर सकती है. इसलिए ताकि जो हेल्थ केयर सिस्टम है, गाँवों में हेल्थ केयर सिस्टम है, उसको इम्प्रूवमेंट किया जा सके. और ये एएनएम है जो अपने गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों में कर सकते हैं. जैसे इस हमारा कॉलेज है जैन नर्सिंग ऑफ इंस्टीट्यूट, इसमें एएनएम होती है, एएनएम कर सकते हैं अपने अच्छे लेवल पर. गवर्नमेंट की अपेक्षा इस कॉलेज में भी अच्छी एएनएम की जो शिक्षा है वो दी जाती है, अच्छे से क्लिनिकल ड्यूटीज़ वगैरह लगाई जाती है. और इसके अलावा भी प्रोसीजर वगैरह आल सब कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है बच्चों को. अगर आप करियर के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको जैन नर्सिंग ऑफ इंस्टीट्यूट का नंबर मिल जाएगा. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत.